हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वेदांतु। सॉरी गाइस, आई एम 2 मिनट्स लेट। एक्चुअली देयर वाज सम टेक्निकल इशू दैट वाज गोइंग ऑन। बच्चों, दिस इज एनटीएससी स्टेज 1 चंडीगढ़ पेपर एनालिसिस 2020। सो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चंडीगढ़ पेपर। सो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चंडीगढ़ पेपर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आए थे हमारे चंडीगढ़ के अंदर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वेयर फ्रॉम द NCERT book, right? So every year the paper in Chandigarh comes from NCERT, not from anything else. State board भी नहीं आता इसके अंदर, ना ही कोई general knowledge based questions आते हैं. So it is completely based on NCERT. That is why some of the questions are multiple choice questions also, not only objective choice. ठीक है, single choice नहीं होते, multiple choice भी बहुत सारे होते हैं. So I hope you got the reason कि ऐसा क्यों होता है. 8th class के हो, फिर भी देखना चाहो तो देख सकते. So बच्चा, the first question, which of the following indicated the main object of the French Constitution of 1791? Right. So there was a multiple choice option in that. So was it a constitutional monarchy? Right to vote for all men above 25 years of age, declaration of rights of man and citizen, and only men of 25 years and paid taxes were allowed to vote. So you had to choose the correct answer from all of these four. Right. So it can be a type of multiple choice question. So bachcho, the answer of this question will be D. The right to vote for all men above 25 years of age, that was not included in that. Usme ye likha hua tha ki voting rights unko milenge jo 25 above hain, plus they can pay the taxes also. To agar wo tax de sakte hain tabhi wo aage ja sakte hain, warna wo nahi ja sakte. ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस. यू कैन हैव योर क्वेश्चन पेपर विथ यू इफ यू आर फ्रॉम चंडीगढ़, और आप मिला सकते हो, मैच कर सकते हो कि हाउ मेनी ऑफ यू आर करेक्ट. राइट, द नेम एसोसिएटेड विद अप्रैल थीसिस. इतने दिन बाद बात हो रही है, अरे अरे कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे तो हूं ही ना मैं, कर सकते हैं बात. सो द नेम एसोसिएटेड विद अप्रैल थीसिस इज, सो अप्रैल थीसिस वॉज गिवन बाई लेनिन राइट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ज़ार्स रेजाइम इन रशिया. So, Lenin C is the correct answer for this particular question. Next, Budenovka. Budenovka was what? Right. So, it's very easy. It was just a Russian hat. Okay. So, when Lenin became the new, Lenin came to Russia in order to establish the Bolsheviks government. So, Lenin ne Budenovka naam ka ek hat nikala. Aur ye ek Russian hat tha. Aur Russian hat... अपने पुलिस को दे दिया ताकि एवरीवन विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द न्यू ड्रेस ऑफ रशियन पुलिस. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स. राइट, सो द पर्ल हार्बर अटैक, द जर्मन इन्वेजन ऑफ रशिया, द जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड, एंड द हिटलर पुलिंग लीग जर्मनी आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. सो इट्स वेरी इजी, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर. अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है, सो बच्चों सबसे पहले चीज जो हुई वो था जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड. राइट, सी. ठीक, फिर जो दूसरी चीज हुई वो था जर्मन इन्वेजन ऑफ रशिया. सो जर्मनी इन्वेडेड रशिया इन द ईयर 1918. सॉरी, हाँ, फिर था हिटलर पुलिंग आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, ए डी, और फिर होगा द पर्ल हार्बर अटैक दैट हैपेंड इन 1944. सो सी पी डी ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वेरी गुड सुभद्र, वेरी गुड, बिजी इंसान. चलो अगला है जो चैप्टर से, उसका नाम है हमारा द फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म. ठीक, सो ब्रिटिश इनवाइटेड जर्मन एक्सपर्ट डिट्रिक ब्रांडिस फॉर एडवाइस इन सेविंग फॉरेस्ट. ब्रांडिस वाज मेड द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. ब्रांडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864. ब्रांडिस हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इन 1869. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली 1, 2 एंड 3. ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1869 में नहीं, 1864 के अंदर ही आया था. सो 1, 2, 3 आर द करेक्ट आंसर्स. धांगर्स वेयर द पास्टोरल कम्युनिटी ऑफ. सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू बच्चों, कि हमारा जो पेपर इस बार हुआ है ना, तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर डू वी हैव टू स्टडी दोज चैप्टर्स ऑल्सो विच हैव बीन रिमूव फ्रॉम द बोर्ड सिलेबस. और मैंने बोला था कि यस ब्लू प्लीज डू रीड इट बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आप उसे पढ़ लेना क्योंकि वो आएगा एग्जाम में. और आप देख सकते हो पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, फॉरेस्ट सोसाइटी, कोलोनियलिज्म, द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम एवरी सिंगल चैप्टर. मैंने मना किया था कि डोंट स्टडी द क्लोथिंग वाला चैप्टर, क्रिकेट वाला चैप्टर, ये सब चैप्टर आप मत पढ़ना क्योंकि उनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. तो ऑब्वियसली उनसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं. ठीक, सो धांगर्स वेर द पास्टोरल कम्युनिटी ऑफ, सो वी नो दैट द धांगर्स वेर द पास्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र. दे यूज्ड टू मूव बिटवीन कोंकण एंड
ईस्टर्न महाराष्ट्र. ठीक. नेम द फ्रेंच फिलोसोफर हु एक्सप्लेन्ड व्हाट मेक्स द नेशन. राइट. सो अर्नेस्ट रेनन वॉज द पर्सन हु हैड रिटन अ बुक व्हाट मेक्स द नेशन. उसमें उसने अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पर दिया था कि क्या नेशन कैसे बन सकता है. ठीक है. सो दैट इज फ्रॉम द नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर क्लास 10th. एंड वन मोर थिंग बच्चों, आई विल नॉट टेक योर मच टाइम. ठीक है, तो मैं जल्दी ही कंक्लूड कर दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग इन टू द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. दैट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया, लॉर्ड इरविन अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइमन कमीशन, गांधी जी सेंट द लेटर स्टेटिंग 11 डिमांड्स और पूना पैक्ट. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 2, 3, 4. साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1927, इम्प्लीमेंटेड इन 1929, गांधी जी सेंट द लेटर स्टेटिंग द 11 डिमांड्स इन 1930, पूना पैक्ट हैपेंड इन 1932. सो इट इज वेरी सिंपल, ए बी सी डी, 1, 2, 3, 4, कुछ भी ले लो. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप यू आर हैविंग योर क्वेश्चन पेपर विथ यू गाइस. ठीक है. And those students who are not from Chandigarh, still they can watch the session because it is very very important. और ये important इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम ऐसे discuss करेंगे. हो सकता है कि ऐसे questions you'll get to see in your state examination also. ठीक है. So for Bihar, for Haryana, उन सब बच्चों के लिए भी ये it is very very important. So which of the following statements are false? बच्चा यूपी में कट ऑफ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग 160. ठीक है. प्लस 3-4 मार्क्स आप ऊपर नीचे कर लेना. ठीक है, 2-3 मार्क्स, बट अराउंड मेरे हिसाब से 160 विल बी. सचिन यू आर इन 8th. अदिति हाउ मच यू आर गेटिंग? हाँ, सो हो जाए. अरे वाह 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 वाह, फिर तो पार्टी. सो द सिल्क रूट लिंक्ड एशिया यूरोप नॉर्थ अफ्रीका. हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, 100%. सिल्क रूट वॉज रूट बोथ बाई लैंड एंड सी. बुद्धिज्म ट्रेवल्ड अक्रॉस द सिल्क रूट. प्रेशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम एशिया टू यूरोप. एंड द करेक्ट आंसर इज 4. ठीक है. गोल्ड और मेटल सिल्वर जो थे वो एशिया से यूरोप सिल्क रूट के थ्रू नहीं जाते थे, बाकी तीन होता था. ठीक है. सो डी. अरे बिल्कुल पार्टी चाहिए मुझे, दही शक्कर से कुछ नहीं होगा भाई, मुझे कुछ अच्छा चीज चाहिए. Europeans were attached to Africa. Why? So they were attached because of its natural beauty, to expand industries, by its vast land resources and mineral wealth, or all of the above. So it's very easy, bachcha log. Natural beauty attract hoke, there is no colonialism. तो इससे colonialism से कोई लेना देना नहीं है. Industry expand करना है तो colonialism करने की क्या जरूरत है? ठीक. So it's C, by its vast land resources and mineral wealth. Gold and diamond की mines थे वहाँ पे. Next. Dash of Korea is among world's oldest existed book with movable metal types of printing. So that is from the print culture. Diamond Sutra was from Japan. Bible was Europeans. Yukio is of, pata nahi hai, Yukio ka pata nahi. But the correct answer is Zigzi. Zigzi is from North Korea. Right. Following statement refers to the life Baba Ramchandra in Awadh. Okay, related to the life of Baba Ramchandra in Awadh. So which of the following is incorrect? Which of the following is false? Peasants were led by Baba Ramchandra in Awadh. Baba Ramchandra was a sannyasi. He worked as an indentured laborer. Karaunga beta, NTSC ki preparation. Okay, abhi itte din se to kara hi raha tha. He worked as an indentured laborer in Assam. Or he headed the Awadh Kisan Sabha with Jawaharlal Nehru. So the incorrect answer, the correct answer for this question and the incorrect statement about Baba Ramchandra is the option C. He never worked as an indentured laborer in Assam. Yeah. Choose the right option of peak in descending order of their heights. So just focus on these terms, descending order. Sabse uncha sabse pehle, sabse chota sabse last mein. So the correct order of this is 1, 4, 3, and 2. यार बच्चे टाइम में अगर आपको बताऊं, सो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनटीएससी स्टेज 1. ठीक है, एनटीएससी स्टेज 2 भी हो सकता है. सो मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल. ठीक है, अभी तो नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज कंचनजंगा, नंदा देवी, अनाईमुड़ी एंड डोडाबेट्टा. सो 1, 4, 3, 2 इज द करेक्ट सीक्वेंस, ऊपर से नीचे की तरफ. ठीक.
अगला, रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. इट इज द जोग फॉल्स, दुधवा फॉल्स, शिव समुद्रम फॉल्स और दूध सागर फॉल्स. सो यू कुड हैव एलिमिनेटेड द इनकरेक्ट ऑप्शन. दुधवा फॉल्स उत्तर प्रदेश, जोग फॉल्स नॉर्थ में है, दूध सागर फॉल्स आंध्र प्रदेश में है, शिव समुद्रम फॉल्स राइट. द सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. महावत इज द लोकल नेम ऑफ रिच रेनफॉल इन इंडिया. सो महावत इज अ रेनफॉल दैट अकर्स इन द विंटर सीजन राइट. तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है हिंदी में इट इज नोन एज महावत. सो बी इज द करेक्ट आंसर. वेरी सिंपल. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000. वेस्ट बंगाल के लिए यार यू हैव टू स्टडी अबाउट योर स्टेट बुक. ठीक है, तो अपना स्टेट बुक एक बार जरूर देख लेना. हाँ, एनटीसी 2021 के लिए करवाऊंगा संतोष, और उसमें आप देखना कि जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं प्लीज गो एंड स्टडी फ्रॉम यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक. सो ओके, सॉरी श्रेयांस. ओके हाँ, तो यू हैव एम्पल टाइम. ये चंडीगढ़ का है बेटा, चंडीगढ़. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000. इम्पार्ट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स राइट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन और प्रमोटिंग अर्ली मैरिज अमॉन्ग गर्ल्स. सो 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट, बट डी इज फॉल्स राइट. नो वन प्रमोट्स अर्ली मैरिज अमॉन्ग गर्ल्स. सो सी इज द करेक्ट आंसर बच्चे लोग. इट्स 1, 2, 3 बेटा. इट इज नॉट स्टेट बोर्ड, इट इज सिंपल चंडीगढ़ बोर्ड. ठीक है सीधा, ये सिंपल चंडीगढ़ है, मतलब सिंपल एनसीईआरटी, सॉरी क्या बोलूं, सिंपल एनसीईआरटी है. चंडीगढ़ में एनसीईआरटी ही आती है. लैटेराइट सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग राइस, व्हीट, मस्टर्ड, टी, कॉफी, कैशोनट, पल्सर शुगर केन एंड रेजिन्स और कॉटन एंड मेज. सो इट्स ऑल्सो वेरी 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 इजी. टी, कॉफी एंड कैशोनट. ठीक है, आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन इन द लास्ट टेस्ट ऑफ एनटीएससी प्रेप. यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने दिया था और ये आपके पेपर में आ चुका है. सो इट्स P, which is the correct answer. Now you have to match the following dams with the name of the rivers. ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल था. इट्स राणा प्रताप सागर डैम जो है वो चंबल रिवर के ऊपर है, सलाल प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर में है चेनाब रिवर के ऊपर, टेहरी डैम जो है वो भागीरथी के ऊपर है इन उत्तराखंड, एंड नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर है. सो A2, B4, C1 and D3. B is the correct answer for this question. Right? I hope you are matching it. The average climatic conditions for growing sugarcane are. So, बच्चों sugarcane is a tropical crop. ठीक है दोस्तों, sugarcane जो है वो एक tropical crop है. और tropical crop का growth कैसे होता है? Between 21 to 27 degree C and rainfall should be 75 to 150 तक it is fine. Right? So, A is the correct answer for this question. The first ever cement plant set up in India was. पहला सीमेंट प्लांट कहां पे सेटअप हुआ था? सो इट वाज सेटअप इन चेन्नई इन 1904, एंड द फर्स्ट सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज लाखेरी इन राजस्थान. ठीक है, तो दोनों याद रखना. इस बार कौन सा स्टेट का सोशल साइंस स्टेट बोर्ड से आया था बेटा? चंडीगढ़ आया था, दिल्ली आया था, झारखंड आया था, जम्मू कश्मीर, ये सारे हमारे स्टेट से ही आए थे. सॉरी, एनसीईआरटी से ही आए थे. बाकी सब इसको छोड़ के जितने भी बच्चे सब स्टेट बोर्ड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, सब स्टेट बोर्ड है. उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश तो खैर अलग ही है. द रिवर एसोसिएटेड विथ नेशनल वाटरवे नंबर 2 इज. ठीक है, सो नेशनल वाटरवे नंबर 2 पे कौन सी रिवर आती है? सो इट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर राइट. ब्रह्मपुत्र रिवर वाटरवे नंबर 2 एंड गंगा वाटरवे नंबर 1. ठीक. Now consider the following facts and decide which of these facts would you call a democracy. So in order to fulfill the condition of being a democratic nation, in mein se kaun se factors fulfill hone chahiye? Elections are held regularly. Is it a criteria of a democratic government or not? Voters are bribed by the leaders. Kya ye hai ki nahi? Government arrests the leaders who protest peacefully against wrong policies. Government works for the welfare of the people. So it's very simple. It's D1 and 4. Theek hai? Voters are not bribed by the leaders. And government cannot arrest anyone. ठीक है, on the basis of protest. तो ये B और D दोनों गलत हो गए. Hello Nirmit, कैसा है? Who among the following leaders was born in Saudi Arabia and opposed Muslim separatist politics and later became the first education minister of India? ठीक है, there was a Muslim who was born in Saudi Arabia and he opposed the Muslim separatist politics. He didn't want the Muslims in order to have a separate electorate for them. Right?
हेलो विजय, लेट्स थिंक डी। अब जाकिर हुसैन नहीं, अबुल कलाम आजाद, राइट? सो बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड निर्मित, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स बी, अबुल कलाम आजाद। न्याय युद्ध, युद्ध नहीं है ये, युद्ध है। न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, वॉज अ मूवमेंट लॉन्च्ड बाय चौधरी देवीलाल अगेंस्ट विच रूलिंग पार्टी इन हरियाणा? वेरी गुड, इट्स बी द कांग्रेस पार्टी। वेरी गुड बच्चे, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, 1789 इलेक्शंस। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम हैज बीन अमेंडेड 4 टाइम्स बिटवीन द ईयर्स। वेरी इजी, इजिएस्ट ऑफ ऑल। पावर शेयरिंग चैप्टर, द आंसर इज बिटवीन 1970 टू 1993। डी इज द करेक्ट आंसर निर्मित, नॉट बी, नॉट लेट्स थिंक, बी नहीं है, डी है। ठीक है, सो 1970 से लेकर 1993 तक। नेक्स्ट, विच कंट्री अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज सफर्ड डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू पॉलिटिकल फाइट्स ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक आइडेंटिटीज? सो बच्चे, इफ यू हैव स्टडीड द जेंडर लीजेंड कास्ट चैप्टर, उसमें आपने देखा होगा कि यूगोस्लेविया वॉज अ कंट्री। ए, वेरी गुड, यूगोस्लेविया वॉज अ कंट्री विच वॉज डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक, नॉट इंडिया, बेल्जियम, नाइदर नीदरलैंड। ए, वेरी गुड, वेरी गुड। Which of the following parties came to power in Bolivia in 2006? 2006 में बॉलीविया के अंदर कौन सी पार्टी आई थी? Now this question came from popular struggles and movement. That is also not in your syllabus. इससे भी क्वेश्चन आ गया। So बच्चों, the correct answer is the Socialist Party. C. Cool? Very good. Now match the political parties with their symbols. ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी था। इजी के कैटेगरी में ही इसको डालेंगे हम। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है, लो ऑफ इज गुड, वेरी गुड, इट्स ए, मीन्स तेलुगु देसाम पार्टी का साइकिल है। ठीक है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का फैन है। शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब के अंदर है ये है, और कंजर्वेशन पार्टी। इट्स नॉट वेरी इजी, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, राइट? एंड द चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टी। बता तो रहा हूँ बच्चे, सबका बता रहा हूँ मैं आपको, इट्स पॉलिटिकल पार्टीज, बट इट इज अ मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी नहीं है। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर, राइट? हेलो, सो इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंप्यूटर और लेबर, राइट? विच इज अ वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल? सो बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज द वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटर इज अ फिक्स कैपिटल एंड लेबर इज अ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर निर्मित। एंड लेट्स थिंक प्लीज बेटा, डोंट स्पैम, यू विल राइट, इफ यू विल राइट वंस ओनली ना, तब भी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, स्पैम मत करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 30। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मैक्सिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल नीड्स, मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स, बोथ 1 एंड 2, और लेवल बिलो पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। सो ऑल राइट, सो इफ द मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुलफिल्ड, देन ही इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर पर्सन। तो जब मिनिमम लेवल भी आप अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप एक गरीब इंसान है। सो बच्चे, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इट्स वेरी इजी, इट वॉज स्टार्टेड इन, सो बच्चा द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड इन सी 1993। तो बहुत इजी है। येलो कार्ड इज इश्यूड, येलो कार्ड, ये फुटबॉल वाला नहीं है, ध्यान रखना, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको येलो कार्ड दिया जाता है। ठीक है, और उस येलो कार्ड को ही कहीं कहीं हम राशन कार्ड भी बोल सकते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, सो दिस इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज, दिस इज ऑल्सो पॉवर्टी एज अ चैलेंज, सॉरी 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 सॉरी, हाउ डिड आई फॉरगेट, दिस इज ऑल्सो पॉवर्टी एज अ चैलेंज। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम चैप्टर। ठीक है, ये तो पालमपुर बता ही दिया मैंने आपको। सो मिस्टर धीमान टुक अ लोन ऑफ 20 लैक्स मिस्टर टू परचेज अ हाउस, द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन इज 12%। ठीक है, सो द इंटरेस्ट रेट इज, यस, यू विल गेट टू सी द आंसर डेफिनेटली।
अगर मैं बता दूंगा तो फिर यू विल फॉरगेट इट ना, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. सो द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन इज 12%. बेटा यू कांट गेट द पीडीएफ. अच्छा आई विल डू वन थिंग, आई विल गिव द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के यू विल गेट द पीडीएफ बाई टुमारो, कल तक आपको मिल जाएगा. ठीक. एंड ही सेड दैट ही विल बी रीपेइंग द लोन विद इन 10 years. आई एम फ्रॉम पटना. ठीक है, इंस्टॉलमेंट में 10 सालों में लोन दे दूंगा. द बैंक रिटेन्स द पेपर्स ऑफ न्यू हाउस एज कोलैटरल व्हिच विल बी रिटर्न टू मिस्टर धीमान ओनली व्हेन ही रीपेज द एंटायर लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट. राइट, सो द बैंक केप्ट द पेपर एज अ कोलैटरल कि जब आप पैसे वापस करोगे देन वी विल रिटर्न द पेपर टू यू. राइट, सो नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट ऑप्शन. इज इट अबाउट द मोड ऑफ रीपेमेंट, इज इट अबाउट द इंटरेस्ट, इज इट अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और इज अबाउट द कोलैटरल. सो बच्चों, वी नो दैट व्हेनेवर वी गेट वी ट्राई टू गेट अ लोन वी हैव टू गिव डॉक्यूमेंटेशंस. Rate of interest is mentioned, time, tenure of loan is mentioned, right? Collateral is mentioned. So all over combinedly are known as the terms of credit. So bachcho, C is the correct option of this question. Now there is assertion and reasoning. So the goods and services are produced globally. Production process is divided into small parts, but it is not spread out across the globe. ग्लोबलाइजेशन कौन से, यार एक चीज बताता हूँ मैं. गूगल पे सर्च करो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. वहां पे आपको एक वेबसाइट दिखेगी सीबीएसई टीयूटीएस, सिंपल उस वेबसाइट पे जाना, जितने क्वेश्चन हो पढ़ लेना. ठीक. सो द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली, प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स बट इट इज नॉट स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. ठीक. सो बच्चा, इट इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. असर्शन इज ट्रू, राइट, बट द रीजन इज ऑब्वियसली फॉल्स. हाँ बेटा, आई नो द क्वेश्चन आंसर इज देयर ऑन द स्क्रीन. यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फेरस मिनरल्स. ठीक है, तो फेरस मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर कौन सा मिनरल आता है. फेरस मीन्स विच हैज आयरन प्रेजेंट इन इट, राइट, एंड अल निको एम एन, रिमेंबर इट, अल निको एम एन. ठीक, तो अल निको एम एन किसके अंदर हमें मिलता है. अल निको एम एन मतलब अल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज. सो सी, मैंगनीज इज द करेक्ट answer. I hope you are getting it. Which one of the following group of cities is connected by the national highway number 7? So NH7 kaun sa city connect karta hai. So NH7 is connected, NH7 connects Varanasi and Kanyakumari. Simple. Banaras aur Kanyakumari ko NH7 connect karta hai. Iske pehle it was known as NH44 which used to connect Srinagar टू कन्याकुमारी, लाइक दिस. ठीक है, इतना बड़ा सा हाईवे था. नाउ इट हैज बीन बाइफरकेटेड, पहले जम्मू से, सॉरी श्रीनगर से वाराणसी NH44 है, अब वाराणसी से कन्याकुमारी NH7 है. इट इज द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया ऑल्सो. नेम द प्लेस वेयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टर्न्ड आउट वायलेंट. हाँ बच्चा, दिस इज लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ये लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ध्यान रखना. ये तो हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, ये हमारा मनी एंड क्रेडिट है, सॉरी ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी है, और इसके पहले वाला मनी क्रेडिट है. यस बेटा, मनी वो इंडो चाइना विल कम इन इट. यस, यू हैव टू स्टडी इट बिकॉज आई हैव सीन द पेपर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड इन एवरी स्टेट इवन द एलिमिनेटेड चैप्टर्स हैव बीन इंक्लूडेड. सो पढ़ लो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. Name the place where the non-cooperation movement turned violent. So we know that on 5th of Feb 1922, in Chauri Chaura, a police station was set up on fire by the angry crowd. And that is why we can say that the non-cooperation movement turned violent in Chauri Chaura. And because of that, on 5th of March 1922, Gandhiji called off this movement. Okay? So 23rd February, Chauri Chaura in Uttar Pradesh, Gorakhpur. Okay? Nationalism in India. Nationalism in India. Yes, bacha, it is very important for NTSC. You can't even think of clearing NTSC without SST. Which, whose name of the following is associated with Kesari? So, bacho, Kesari was a newspaper and it was published in the Marathi language.
ठीक है. सो केसरी वॉज पब्लिश इन मराठी लैंग्वेज एंड इट वॉज पब्लिश बाई बाल गंगाधर तिलक. सी वेरी गुड सक्षम, वेरी गुड निर्मित एंड वेरी गुड लेट्स थिंक. ग्रेट, इट इज लाइक अ मेंटी क्विज. हु रोट द बुक हिंद स्वराज? इट्स नॉट हिंदू, इट्स हिंद स्वराज. सो हु रोट द बुक हिंद स्वराज बेटा? द हिंद स्वराज बुक वॉज रिटन बाई महात्मा गांधी इन 1907. इट्स वेरी वेरी इजी. 1908, सॉरी, इट्स वेरी इजी. ठीक, सो ए इज द करेक्ट आंसर, नेशनलिज्म इन इंडिया. एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ट्रिटी ऑफ वियना साइंड? सो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द ट्रिटी ऑफ वियना वॉज साइंड इन 1815 बाई द कंजर्वेटिव पीपल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप. Who wanted to establish the conservative regime again in the whole parts of Europe. Very good, Priyan. Very good, Nirmit. Very good, Sakshin. Great, guys. So, C is the correct answer. So, thank you very much, bachcho. Bye-bye and have a good night.